फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आलिया भट्ट और विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड फिल्म राजी 11 मई को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है, लेकिन इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया है, जिसके चलते ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो पाएगी। बता दें कि पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड का मानना है कि इस फिल्म में विवादित कंटेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज दिखाई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के काफी सारे फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म को लेने से मना कर दिया है। मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध के बारे में है। इतना ही नहीं, ये फिल्म हरिंदर सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत पर बेस्ड है, जिसमें आलिया ने सहमत नाम की एक कश्मीरी लड़की का रोल निभाया है। फिल्म का ट्रेलर लोगों को खूब पसंद आया है, साथ ही फिल्म के गाने भी दिल को छूने वाले हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को बैन किया हो। इससे पहले भी ट्यूबलाइट, टाइगर जिंदा है और रहीस के अलावा भी काफी सारी फिल्मों को पाकिस्तान में किसी न किसी वजह से बैन किया जा चुका है। मतलब देखने वाली बात तो ये होगी कि पाकिस्तान में रिलीज ना होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी कमाई करती है। वैसे आपको क्या लगता है, राजी का पाकिस्तान में बैन होना ठीक है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।